हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉप विद सानिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ माय ग्लैम की अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूं। ये जो दो बॉक्सेस आप लोग देख रहे हो वो मैंने काफ़ी कम प्राइस में मंगवाया है। मतलब मैंने इन दोनों बॉक्सेस इसका मैंने 150 से ज़्यादा पे नहीं किया है। और ये जो बॉक्सेस है मुझे काफ़ी टाइम पहले रिसीव हो गए थे, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्स वीडियो बना के शेयर नहीं कर पाई। बट आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं आप लोगों को रिव्यू भी दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी बाय करना है तो आप कर सको। तो चलिए अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है और कितने में ऑर्डर किया है। वैसे तो मैंने इन दोनों के ऑफर्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो बॉक्स है उसका मैंने ओनली 99 रुपीज पे किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें मुझे टोटल 3 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। एक यहाँ पे रिसीव हुआ है ये पॉम्पॉम पाउच और एक लिपस्टिक, एंड एक यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है ये परफ्यूम। ये अगर आप लोगों को याद होगा वैलेंटाइन में ऑफर आया था जिसमें कॉम्बोज मिल रहे थे, तो 499 का कॉम्बो था, तो मैंने 400 ऑफ का कूपन रिडीम करके इसको ऑर्डर प्लेस किया था। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे बट मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, और मेनली मैंने इस ऑर्डर को इस परफ्यूम की वजह से ही प्लेस किया था। आप लोग देख सकते हो ये जो परफ्यूम है वो इतनी क्यूट पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। काफ़ी टाइम से मुझे ये बाय करना था बट अच्छा ऑफर ही नहीं आ रहा था, तो जैसे ही ऑफर आया मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और इसमें मैंने शेड लिया था सेसी, और ये जो फ्रेग्रेंस है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब एक्वा फ्रेग्रेंस है, अगर आप लोगों ने कभी भी एक्वा फ्रेग्रेंस यूज़ किया होगा किसी और ब्रांड का तो वो इसी टाइप का है। मैंने पहले यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं पहचान गई थी। ये जो है फ्रेग्रेंस एक्वा है और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 2026 तक दी हुई है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी ओरिजिनल MRP है 395 रुपीज, बट हमें यहाँ पे ये 99 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये लिपस्टिक रिसीव हुई है, माय ग्लैम की लिट लिक्विड मेटल लिपस्टिक, और इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2025 की दी है, 375 MRP है। और इसमें मैंने शेड बाय किया है शुगर मामा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्रीटी सा शेड है। अगर आप लोगों को पिंक टाइप के शेड पसंद है तो आप लोग इसको ज़रूर बाय करना। और ये जो लिपस्टिक है ना गाइस बहुत ही अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी लॉन्ग स्टे भी करती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको स्वैच भी किया है। मैं आप लोगों इसको फ्लैश लाइट ऑफ करके भी दिखा देती हूँ इसका शेड कैसा दिखता है विदाउट फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का दिखता है फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद, मतलब ये ओरिजिनल लाइट में ही मैंने शूट किया है इसको। तो आप लोग देख सकते हो पिंक टाइप का शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इसको लगाओगे। और अगर आप लोग इसको लिप लाइनर के साथ कॉम्बो बना के लगाओगे ना गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। मैं इसको लिप लाइनर के साथ ही लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा लुक दे देता है। और ये जो लिपस्टिक है वो मैट लिपस्टिक है, तो थोड़ी देर बाद ये जो है ड्राई होकर मैट हो जाती है। और अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है ये माय ग्लैम का पॉम्पॉम पाउच। ये पता नहीं इतनी ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट कर दी है ना माय ग्लैम के पाउचेस ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है इन पाउचेस में। बट सच बताओ गाइस कि इनकी क्वालिटी ना सच में अच्छी है, मतलब अगर आप लोकल लेने जाओगे ना तो इस क्वालिटी के जो पाउचेस आप लोगों को 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ में तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसकी जो है स्पेस चेक कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक भी अंदर डाल दी और यहाँ पे परफ्यूम भी डाल दी। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हो। बस इसकी मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो था इसका पॉम्पॉम, काफ़ी रफ़ पॉम्पॉम मुझे रिसीव हुआ था। मतलब इतना रफ़ सा उसका फर था, पता नहीं मेरे केस में ऐसा हुआ है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इस पाउच की। और अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये बॉक्स रिसीव हुआ है। इस बॉक्स का यहाँ पे मैंने 247 आप लोगों को शो होगा, बट इसका मैंने 125 रुपीज़ ही पे किया है। इसका मैंने ऑफर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो 125 वाला गिफ्ट कार्ड वाला ऑफर आया था मैंने उससे इस ऑर्डर को प्लेस किया था, और काफ़ी अच्छा ऑफर था गाइस। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ी डील मिस कर दी है। 125 रुपीज़ में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब कॉम्बोज के साथ हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते थे यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 सीरम बाय किए हैं, नियासिनेमाइड वाले सीरम, इसका ऑफर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये जो सीरम है वो पैक ऑफ 2 में रिसीव हो रहे थे कूपन कोड से, और साथ में मैंने ये 99 रुपीज़ में जो नीचे से हम ट्रिक से ऐड करते थे उससे मैंने ये नियासिनेमाइड का सीरम एक और ऐड कर लिया था, और साथ में मैंने ये शीट मास्क भी ऐड कर लिया था ट्रिक से जब 49 रुपीज़ में हमें मिल रहा था। और इस सीरम की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30 ग्राम की क्वांटिटी है, और इसकी जो प्राइस है वो 699 ईच है। तो मतलब यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि कितने कम प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ है। एक मैं यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके शो कर देती हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग मार्क भी देख सकते हो, मैंने ब्लू कलर का मार्क भी किया हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हो इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल में है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब गाइज यहाँ पे आप लोगों को सारे ही इंग्रेडिएंट्स वगैरह शो कर दिए हैं। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनेमाइड, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात गाइज ये है कि ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, और इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी नहीं है, जो भी है नेचुरल फ्रेग्रेंस है। और इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना गाइज वो है टाइगर ग्रास की, जो टाइगर ग्रास है ना उसकी फ्रेग्रेंस है। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ना आपकी स्किन पे एकदम ठंडा ठंडा सा फील होगा, कूल कूल फील होगा आप लोगों के फेस पे जब आप लोगों इसको अप्लाई करोगे। और ये जो
सीरम है ना गाइस, ये मेनली वर्क करता है आप लोगों के डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करने के लिए, ब्लेमिशेस वगैरह रिड्यूस करने के लिए। एंड साथ में अगर आप लोगों की अनइवन अनबैलेंस स्किन टोन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि आप इसको हाइड्रोलोनिक एसिड और रेटिनॉल के साथ पेयर करके यूज़ कर सकते हो। एंड आप लोगों को अवॉइड करना है विटामिन सी एंड AHA BHA के साथ पेयर करके यूज़ करने को, ठीक है। और ये जो सीरम है गाइस वो AM PM यूज़ दोनों के लिए बना है, तो आप इसको डे और नाइट दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये सीरम काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीन तीन एक साथ ऑर्डर कर लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। सो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये वैलेंटाइन और 125 वाले ऑफर में से क्या क्या बाय किया था। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। एंड इन केस आपसे ये ऑफर्स मिस हो गए हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी ऑफर्स मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।